कहते हैं ना भय बिन प्रीत न होए और भय बिन भाव न उपजे चीन की नाक के नीचे भारतीय नौसेना ने वो काम कर दिया है जो चीन की दुखती रग को बार बार दबाने जैसा है बिल्कुल चीन के सीने पे चढ़ आया है भारतीय नौसेना अपने युद्ध पोत और लाव लश्कर के साथ चीन के दरवाजे पर भारतीय युद्ध पोत खड़े हो गए हैं और वो भी चीन के बड़े वाले दुश्मन के साथ मिलकर भारत ने अब दिखा दिया है कि चीन से वो डरता नहीं है बल्कि अब चीन को डरने की जरूरत है बदले में चीनी सेना ने क्या किया जानेंगे डिटेल से। तो वहीं इमरान खान को फिर से परमाणु बम का बुखार चढ़ा और उन्होंने एक बार फिर भारत को लेकर परमाणु बम की धौस दिखाई इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से इमरान खान जो अपने ऊट पटांग बयानों के लिए प्रसिद्ध है ऐसे कल ही उन्होंने ये बयान दे दिया है लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए अपराध की शिकार बनती हैं ये एक देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना सड़क छाप है तो वहीं जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि उइगर मुसलमानों के बारे में आपकी क्या राय है तो वो ये कहता है की हम बंद दरवाजे के भीतर चीन ऐसी बातें कर रहे हैं इसके बारे में क्यों खुलकर कहने में क्या समस्या है क्या उइगर मुसलमान मुसलमान नहीं है वहाँ क्या इस्लाम धर्म की बात नहीं आती है और वहाँ क्या इस्लाम संकट में नहीं आता है अब जब इमरान खान से ये पूछा गया कि हमने सुना है आपके देश में परमाणु बमों की संख्या बढ़ रही है तो उन्होंने ये कहा की हमने परमाणु बम सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए बनाए है लेकिन मुझे नहीं पता है की मेरे देश में परमाणु हथियार बढ़े है क्या अब यहाँ पर इमरान खान का डर देखिए उसने ये कहा जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये कोई आक्रामक चीज नहीं है कोई भी देश जिसका पड़ोसी सात गुना बड़ा है वह चिंतित रहेगा लेकिन मैं परमाणु हथियारों के बिल्कुल खिलाफ हूँ आगे उसने ये कहा हमारी भारत के साथ तीन बार जंग हो चुकी है इसके बाद हमारे पास परमाणु हथियार है और जब से परमाणु हथियार है तब से लेकर अब तक कोई युद्ध भारत के साथ नहीं हुआ है और अगर एक बार कश्मीर के मुद्दे का समाधान हो जाए तो परमाणु हथियारों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी वैसे पाकिस्तानी मंत्री पाव पाव भर के परमाणु बम की बात भी कहते हैं जो कि मुस्लिमों को देखकर नहीं फटेंगे खैर जब युद्ध होएगा, तब अच्छे से पता चल जाएगा कि किस देश के परमाणु शक्ति में कितनी ताकत है पर अभी तो भारत जो जलवे दिखा रहा है उसके बारे में उसके आयरन ब्रदर चीन ने भी बिल्कुल नहीं सोचा होगा हमने आपको बताया था दक्षिण चीन सागर का ये इलाका चीन के लिए एक कमजोर नस बन गया है और इसी इलाके में चीन का बेहद खतरनाक दुश्मन वियतनाम खड़ा है वियतनाम से कई बार जंग लड़ने की कोशिश चीन कर चुका है और जंग में हार भी चुका है इतनी बुरी तरीके से हारा है कि वियतनाम के जंगलों में भटकने लगे थे उसके छोटे छोटे बच्चे सैनिक पर अचानक से भारत ने अपना सारा रुख बदल लिया है दक्षिण चीन सागर में भारत और रूस हमेशा न्यूट्रल रहते थे इस मामले में नहीं पड़ते थे लेकिन एक तरफ जहाँ राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया की दक्षिण चीन सागर में आवागमन बिल्कुल फ्री होना चाहिए तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने चीन को अब ऐसा काम करके दिखा दिया है जिसमे की उसके हिंद महासागर में घुसपैठ का बड़ा जवाब दे दिया गया है और बात ये हो गयी की भारतीय नौसेना के साथ चीनी नौसेना डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत के लिए भी उतर आई ये पूरा खेल इस तरीके से किया गया है पूरा जिसे सुनकर आप भी चौक जाएंगे इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें एक तरफ भारतीय नौसेना ने अंडमान और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास मलक्का स्ट्रेट में चीनी नौसेना की गतिविधि पर नजर रखने के लिए फ्रंट लाइन जहाजों को तैनात कर दिया है चीनी नौसेना इसी रास्ते से हिंद महासागर में घुसती है इसके अलावा कई चीनी जहाज भी तेल या मर्चेंट शिपमेंट के साथ अन्य महाद्वीपों से आकर इसी रास्ते से गुजरते हैं भारतीय नौसेना ने यहाँ पे जहाजों की तैनाती करके चीन को यह संदेश दे दिया की वह पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर विरोधियों द्वारा किसी भी दुस्साहस का जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है चीनी नौसेना के जहाजों की मलक्का स्ट्रेट से लेकर हिंद महासागर में होने वाली मूवमेंट पर नजर रखने के लिए भारतीय नौसेना अंडर वाटर जहाजों अन्य मानव रहित सिस्टमों सेंसरों को तुरंत हासिल करने की योजना भी बना रही है और तैनाती की योजना भी बना रही है इसके अलावा भारतीय नौसेना जिबूती इलाके के आस मौजूद चीनी जहाजों आरोप भी नजर बनाए हुए है और इसके आस में अपने कई हथियार तैनात कर दिए हैं पर अब अचानक से भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस एरावत अपने पूरे फ्रिगेट के साथ पहुंच गए दक्षिण चीन सागर के इलाके में और दक्षिण चीन सागर का वह इलाका जिसे चीन अपना कहता है केमरान बे ये इलाका वो इलाका है जिसमे चीन अपना दावा ठोकता है भारत ने अपने युद्ध पोत को यहाँ जाकर टिका दिया और योग दिवस के नाम पर यहाँ भारतीय सैनिकों ने योगा की फुल प्रैक्टिस करी आपको बता दें भारतीय युद्ध पोत के साथ साथ अमेरिकी युद्ध पोत भी इस इलाके में तैनात हो गए थे और भारतीय युद्ध पोत और अमेरिकी युद्ध पोत एक दूसरे से समन्वय बनाए हुए थे चीनी नौसेना इतनी बौखला गयी की उन्होंने सीधे भारतीय नौसेना के साथ कमांडर लेवल आरोप बातचीत बुला ली और बातचीत में इस बात की शिकायत भी कर दी कि दक्षिण चीन सागर का ये इलाका हमारा है आपने अपने युद्ध पोत कैसे तैनात कर दिए अब ये कोई साधारण सी बात नहीं है इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है जिस तरीके से अमेरिकी और भारतीय युद्ध पोत सीधे चीन के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए ये चीन को एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो भारत और अमेरिका ने देना शुरू कर दिया है इस तरह से चौतरफा घेर कर चीन को एक बड़े जंग के लिए ललकारा जा रहा है तो वहीं भारत भारत ने अमेरिका के साथ ऐसा करके चीन को ये बतला दिया है कि अमेरिका के साथ अगर जंग होता है तो भारत इस क्षेत्र में उतरेगा यही वजह है कि दक्षिण चीन सागर को लेकर भारतीय मंत्री भी अब बयान दे रहे हैं खास करके भारतीय रक्षा मंत्री और भारतीय रक्षा मंत्री का बयान बहुत बड़ा मायने रखता है समंदर में चीन का समय खत्म करने के लिए भारत अमेरिका वियतनाम फिलीपींस ये सारे देश उतरे हैं अब एक बात तो तय हो हो गई कि क्वाइड चीन के खिलाफ हर हद तक जाने को तैयार है भारत की इस हरकत ने चीनी नौसेना में न सिर्फ खलबली मचा दी है बल्कि चीन के अंदर भी बड़ी हलचल मचा दी है वैसे ये भारत का चीन को खुल्लम खुल्ला संदेश है कि अगर तुम हिंद महासागर में कभी भी घुसपैठ करने की कोशिश करते रहोगे तो भारत भी ऐसा करेगा और भारत भी हर उसी इलाके पे अपनी नौसेना और फौजों को भेजना जारी रखेगा जिस पर तुम अपना हक जताते हो तो वहीं क्वाइट चीन के खिलाफ पूरी तरह से एकजुट है इसका भी संदेश भारत ने दे दिया है चीनी नौसेना में अब युद्ध को लेकर कौतूहूल भी जारी हो गया है क्योंकि अमेरिका भारत के आक्रामक रूप को देखते हुए अब चीन समझ गया है की ताइवान में जो वो बार बार घुसपैठ करके अपनी तानाशाही दिखाने की कोशिश करता है वो उसे बेहद भारी पड़ने वाला है वैसे आपको क्या लगता है क्या भारत ने युद्ध पोतों की तैनाती करके चीन को संदेश दे के सही किया या गलत किया कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ